खान, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का मामला इतना तूल पकड़ चुका है, जो लगातार देखा जा रहा है कि सभी उसके समर्थन में आ रहे हैं और लगातार अभी भी गिरफ्तारी को लेकर कोई भी सबूत सामने नहीं आ रहे हैं। कोई भी इस गिरफ्तारी को लेकर, उन दोषियों को लेकर जो इस घटना को अंजाम देते हैं, जो सबके सामने है, सीसीटीवी फुटेज सामने है, वो तस्वीरें सामने हैं, व्हाट्सएप चैट सामने है, लेकिन अभी भी गिरफ्तारी नहीं होती है, उसी को लेकर लगातार दूसरी यूनिवर्सिटी जेएनयू के समर्थन में आती है, सरकार के खिलाफ जाती है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जाती है। वहीं जहाँ जेएनयू लगातार विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और सरकार के सामने यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि आप क्यों नहीं दोषियों को पकड़ते जब सब आपके सामने है, सब कुछ खोल कर रखा हुआ है। अब ऐसे में दीपिका पादुकोण आई थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जेएनयू का समर्थन करने के लिए, और आपको बता दें बॉलीवुड के तमाम सितारे जो भी हैं, ऋचा चड्ढा से लेकर तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप, इन सब तमाम, इनसे भी ज़्यादा लोग वहाँ पर मुंबई में मौजूद थे, जो छात्रों का समर्थन कर रहे थे, जेएनयू का समर्थन कर रहे थे और उस एक्ट का विरोध कर रहे थे जो मोदी सरकार लेके आई थी। अब ऐसे में आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण जेएनयू में आई, सब यही बोल रहे हैं कि उसको ट्रॉल करने लगे, इस अभिनेत्री को सबसे ज़्यादा ट्रॉल किया जाने लगा कि 10 जनवरी को उनकी फिल्म आने वाली है छपाक, इसलिए वो अपने प्रमोशन के लिए और पब्लिसिटी पाने के लिए जेएनयू में आई हैं, और उनका आने का मकसद ये था कि वो अपना पब्लिसिटी कर सके और फिल्म को अच्छे से अच्छा प्रमोशन दिला सके और अच्छे से अच्छी जाए उनकी फिल्म। लेकिन वहाँ दीपिका ने ये साफ कर दिया था कि मैं यहाँ जेएनयू छात्रों के समर्थन में आई हूँ और उन नीतियों के खिलाफ आई हूँ जो सरकार लेके चल रही है, और जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली मैं उसके विरोध में हूँ। अब आपको बता दें कि ऐसे ही दीपिका पादुकोण जब जेएनयू में आई तो दीपिका पादुकोण का वो किस्सा सबको याद आने लगा जब 2010 में दीपिका एक इंटरव्यू में थी और इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल पूछा गया था। वैसे तो ये राजनीति से दूर है, राजनीति में कदम नहीं रखना चाहती हैं और ना ही रखेंगी, उनका ऐसा कहना है। लेकिन 2010 में एक इंटरव्यू में जब उनसे ये सवाल किया गया था कि आप राहुल गांधी के बारे में, कांग्रेस के बारे में क्या सोचती हैं, तो उनका जवाब कुछ ऐसा था कि राहुल गांधी मुझे अच्छे लगते हैं और वो अपने बेबाक स्पीच के जरिए जनता के सामने आते हैं, जनता के हित के लिए काम करते हैं, लगातार वो दौरा करते हैं, जनता के पास जाते हैं, मिलते जुलते हैं, तो वो उनकी नीतियाँ अच्छी हैं और वो उनका काम करने का तरीका अच्छा है। अब ऐसे में दीपिका पादुकोण ने कहा कि मैं ये भी चाहती हूँ कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, उनकी ये इच्छा थी। अब कहीं ना कहीं उनका जेएनयू आना, उस मुद्दे को खुलना और कांग्रेस का सपोर्ट करना, कहीं ना कहीं ये सब साबित करता है कि सबको पता चल चुका है कि अब भाजपा की नीतियाँ कैसी हैं और भाजपा किस रास्ते पे चल रही है। जहाँ जनता का हित को लेकर कांग्रेस चल रही है, वहाँ भाजपा उनके विरोध में चल रही है। तो ऐसे में सभी कांग्रेस का साथ देंगे ही, और दीपिका पादुकोण जिस तरीके से जेएनयू में आई थी, वहाँ का समर्थन किया, सब उनकी तारीफ कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट उनके समर्थन में भी हैं, और ट्विटर पर भी ये हैशटैग #IStandDeepika करके चलन चला। तो एक तरीके से सही है कि सभी बॉलीवुड सितारे स्टूडेंट के समर्थन में आ रहे हैं। अब आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहें SPN 9 न्यूज़।